आज सीबीआई ने मुझे बुलाया था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलेज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं, अभी जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में वो काम होने शुरू हो गए हैं। और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। जगह जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। पूरे देश की जनता हमारे साथ है। ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे। और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया है हमारी सरकार।